और यूट्यूब के बारे में आप कुछ भी जानना चाहें पूरी तरीके से नहीं जान सकते। नहीं, कुछ भी तो बताइए, आप क्या जानते हैं यूट्यूब चैनल के बारे में? हमने सुना है कि कुछ लोग इसके ऊपर अपना सब वीडियो वीडियो डालते हैं, बेसिकली ऑलमोस्ट सोशल मीडिया टाइप की। नहीं तो क्या यहाँ लोग इस प्लेटफॉर्म पे अर्निंग करने आते हैं क्या? कुछ लोग अर्निंग करने आते हैं, ज़्यादातर लोग अपने शौक पूरे करने के लिए आते हैं। अच्छा, मतलब पॉपुलर होने के लिए आते हैं। पॉपुलर होने के लिए आते हैं, बेसिकली सबको पता है कि आप फ़ोन पे दबाएंगे यूट्यूब आ जाएगा, यूट्यूब में आपके मतलब की चीज़ आप देखना चाहेंगे सर्च पे जाएंगे आप देख लेंगे। अदरवाइज आप पर्टिकुलर फील्ड में कुछ अपना नेम फेम चाहते होंगे आप देंगे। फॉलोअरशिप तो खैर सोशल मीडिया के तमाम प्लेटफॉर्म्स हैं। नहीं, एक साइंटिफिक वे में यूट्यूब क्या है उसको बताना डिस्क्राइब करना एक डिफरेंट चीज़ है। अच्छा। और इन जनरल एक आपके लिए एज एप्लीकेशन यूट्यूब क्या है, तो यूट्यूब बेसिकली तो लोग देखते हैं इसको एक न्यूज़ चैनल या कुछ भी जी एक तरीके से एक मीडिया है जी। जैसे 100 मीडिया हैं, आपका प्रिंट मीडिया है, आपका टीवी चैनल्स हैं, इसके अलावा आपके बहुत सारे मीडिया ग्रुप्स होते हैं, बेसिकली मीडिया प्लेटफॉर्म है यूट्यूब। आपको आपके काम से मतलब कि आप क्या करना चाहते हैं, आप अपने बिजनेस को प्रमोट करना चाहते हैं तो यूट्यूब है, आप अगर इंटरटेनर हैं आप कलाकार हैं आप अपना थोड़ा बहुत चाहते हैं तो आपके लिए यूट्यूब है, सोशल मीडिया ग्रुप है, फेसबुक वगैरह पे भी लोग रहते हैं, इंस्टाग्राम है, इस टाइप के ढेर सारे मीडिया प्लेटफॉर्म हैं, अदरवाइज गिनती नहीं है अगर आप प्ले स्टोर में चले जाएँ। मगर सबसे सक्सेसफुल ये है, लेकिन व्हाट्सएप जो है व्हाट्सएप चल रहा है, बेसिकली ये सब गूगल से एसोसिएटेड प्लेटफॉर्म्स जी। तो अब डिपेंड करता है कि यूट्यूब का आप यूज़ कैसे करते हैं। अच्छे लोग भी करते हैं, बुरे लोग भी करते हैं, देशभक्ति के लिए भी करते हैं, देशद्रोह के लिए भी करते हैं, तो हमेशा चीज़ है कि आप उसका अच्छे से यूज़ करें और अच्छी क्वालिटी हमेशा सक्सेस होती है। आप अर्निंग करने के लिए जाएंगे, आपकी क्वालिटी नहीं सही है, वीडियो क्वालिटी नहीं सही है, वॉइस क्वालिटी नहीं सही है, एंकरिंग नहीं सही है, आपकी लैंग्वेज नहीं सही है, तो कोई मतलब नहीं है, आप देखिए। यानी आपके अकॉर्डिंग सोशल मीडिया के जितने भी प्लेटफॉर्म हैं उस पर यूट्यूब सबसे बेस्ट है, सबसे ज़्यादा चलने वाला है, सबसे ज़्यादा इसकी रखो चल रही है और इसलिए सबसे ज़्यादा है। क्या आपको लगता है यूट्यूब को एज ए करियर सिलेक्ट कर सकते हैं? देखिए, कोई भी चीज़ एज ए करियर आज के ज़माने में आप सिलेक्ट मत कीजिए, कीजिए तो अपने पास में ऑप्शन रखिए। ये बेसिक प्लेटफॉर्म है, ये सीढ़ी है जी जी। अगर आप बहुत अच्छे से चल रहे हैं, आपका न्यूज़ बहुत अच्छा चल रहा है, तो कल को आप एक न्यूज़ चैनल बनाएंगे उसकी बात की अगर, और अगर आपका अच्छा यूट्यूब है तो तमाम चैनल्स उसको हायर कर लेते हैं, क्योंकि सबको फॉलोअरशिप चाहिए होती है, क्लाइंट चाहिए। नहीं, हमने देखा यूट्यूब पे काफ़ी लोग बड़े बड़े चैनल हैं जो एज ए करियर इसको ले रहे हैं, करियर एज ए करियर ले रहे हैं, मगर कुछ चीज़ें होती हैं कि यूट्यूब आपके लिए चाइना में कोई मायने नहीं रखता। अब समझिए इस चीज़ को कि कल को इंडिया में कोई ऐसी चीज़ आ जाती है या कुछ होता है, कोई कंस्ट्रक्शन कंपनी होता है, तो ये चीज़ें एकदम से गायब हो जाती है। अच्छा, यानी जैसे टिकटॉक गायब हुआ तो उसके बाद तमाम चीज़ें आ गई जी जी, तो बिल्कुल चीज़ का हुआ है, तो इसलिए आप बेस्ट ना होइए, करियर के लिए आपके पास ऑप्शन रहने चाहिए, हमेशा टैलेंट मायने रखता है, प्लेटफॉर्म नहीं मायने रखता। नहीं, वो तो सारी चीज़ों में कंडीशन अप्लाई होती है, आप जिस चीज़ को भी करियर चूज करते हैं उसमें रिस्क तो रहता है कहीं ना कहीं। अगर अभी आप ऑब्वियसली कि प्लेटफॉर्म है वो बंद हो जाए, पहले ब्लैक एंड व्हाइट टीवी चलता था बंद हो गया, फिर वीसीआर का जमाना आया बंद हो गया जी, फिर आपका सीडी डीवीडी आया, खूब हिट रहा, खूब चला, लोग बक्सा भर भर के रखते थे, उसकी वीडियो कैसेट लाइब्रेरी चलती थी, वो भी कमाई का ही जरिया ही जी, कैसेट ऑडियो कैसेट चलती थी, उसकी डबिंग होती थी, सारे बिजनेस आज खत्म हो गए। पहले जिसकी कैसेट लाइब्रेरी थी लाखों रुपए कैसेट रखे रहता था, आज किसी काम का नहीं, आज म्यूजियम में रखने वाली चीज। बिल्कुल, आज की डेट में अगर आप वो डीवीडी प्लेयर लेकर के आ रहे हैं और दूसरे साइड आप पुराने जमाने का ग्रामोफोन लेके आ रहे हैं, तो ग्रामोफोन काफी महंगा है।